दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पैन कार्ड डाउनलोड करने वाले हैं। पैन कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट NSDL से पैन कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। उससे पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ऑनलाइन टेक्निकल चैनल में। दोस्तों, पहला जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि आपके पैन कार्ड से मोबाइल नंबर या ई मेल एड्रेस लिंक होना चाहिए, क्योंकि एक OTP आएगा उसके लिए कुछ दोनों में से एक लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो नहीं डाउनलोड हो पाएगा ई पैन कार्ड। और दूसरा जो है, जो आपका पैन कार्ड का एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो 3 दिन पुराना होना चाहिए। अगर 3 दिन से ज़्यादा पुराना है तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। उसको क्रिएट करने के लिए 8 रुपये 25 पैसे का फीस चार्ज होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है ई पैन कार्ड डाउनलोड के नाम से, उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे, दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे और देख रहे होंगे यहाँ पे आप लोग डाउनलोड ई पैन कार्ड भी अलॉटेड बिफोर 1 मंथ, इस पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का सामने आ जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर ई पैन कार्ड। तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर पैन नंबर फिल कर लेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और देख रहे होंगे यहाँ पे GST N लिखा हुआ, इस पर छोड़ देंगे हम और सिंपली कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। कुछ नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह के सामने आ जाएगा, जो कि आपका डिटेल शो होगा। नीचे करेंगे सेलेक्ट फ्रॉम बिलो ऑप्शन टू रिसीव OTP, पूछ रहा है कि OTP जो आएगा किस पे मंगाना चाहते हैं, ईमेल या फ़ोन नंबर पर। तो मैं फ़ोन नंबर पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर चेक मार्क कर लेते हैं। जनरेट OTP पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे OTP फिल कर लेंगे। और वैलिडेट पर क्लिक कर लेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही पेमेंट मेथड का आ जाएगा, देख रहे होंगे रिक्वेस्ट फॉर ई पैन कार्ड फीस इंक्लूड GST 8 रुपये 26 पैसे होगा और ट्रांजैक्शन आईडी भी शो हो रहा है, तो पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट का मेथड आ गया है, किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट कैश और भारत QR और UPI किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। सबसे पहले कार्ड नंबर फिल करना होगा, फिर एक्सपायरी डेट और CVC नंबर और उसके बाद कार्ड होल्डर नेम जिसके नाम से कार्ड है, उसके बाद मैक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। मैक पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे OTP आ जाएगा, OTP को फिल कर देंगे। यहाँ पे OTP फिल करके और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकना होता है, वरना ट्रांजैक्शन कैंसिल हो सकता है। प्रोसेसिंग चालू है, देख रहे होंगे मैसेज आ गया है, मेरे अकाउंट से पैसे कट चुके हैं और यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकना होता है। बाद कुछ नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह के सामने आ जाएगा, देख रहे होंगे ट्रांजैक्शन डिटेल दिखा रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही जनरेट एंड प्रिंट रिसिप्ट, इस पर क्लिक कर लेंगे। और देख रहे हैं रिसिप्ट आ गया है, तो मैं इसको PDF में डाउनलोड कर लूँगा। PDF में डाउनलोड करते ही इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर होते ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पे एक मैसेज आएगा, जिस पे एक लिंक दिया होगा और एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। तो सबसे पहले लिंक पे क्लिक कर लेंगे।
लिंक ओपन होते ही एक्नॉलेजमेंट नंबर फिल करेंगे यहाँ पे। फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिल कर लेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक्नॉलेजमेंट नंबर और मोबाइल नंबर शो होने लगेगा और दोबारा ओटीपी के लिए सेलेक्ट करना होगा अपना मोबाइल नंबर और नीचे आकर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी फिल कर लेंगे हम। वैलिडेट पे क्लिक कर लेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल आ जाएगा। इस पर पीडीएफ डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों पासवर्ड मांगने लगेगा। पासवर्ड क्या होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, बिना किसी सिंबल के फिल करना होगा कि 1 जनवरी 1997 है तो 01/01/1997 फिल करना होगा और ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन पे क्लिक करते ही देख सकते हैं आप लोग पैन कार्ड डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ।